पंजाब दे विच विधानसभा इलैक्शनस फरवरी 2022 दे विच ड्यू ने ते 6 महीने तो घट टाइम रह गया इलैक्शनस नूं ते उस तो पहले पंजाब दे अलग अलग तबके इंप्लाइज यूनियनस प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं पंजाब सरकार ते अपनी मंगां नूं लैके। असीं इस वक्त पंजाब भवन दे बाहर खड़े ने चंडीगढ़ दे विच ते इत्थे एक मीटिंग जिहड़ी है इंप्लाइज यूनियन दी कैबिनेट मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा ते बलवीर सिंह सिद्धू दे नाल होई है। दस दिए कि इस मीटिंग की खासियत यह रही है कि इस मीटिंग दे विच कांग्रेस दे वर्किंग प्रेजिडेंट कुलजीत नागरा भी मौजूद सीगे। कांग्रेस ने रिसेंटली नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधान लगाया है ते 4 वर्किंग प्रेजिडेंट लगाए ने उन्होंने नाल जिन्हां दे विचों एक कुलजीत नागरा ने ते इस कुलजीत नागरा दे इस मीटिंग दे विच होण दी अहमियत असीं तुहानूं दसदे ने कि पिछले कल नवजोत सिंह सिद्धू ते चारों वर्किंग प्रेजिडेंट चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मिले सीगे चीफ मिनिस्टर ऑफिस दे विच पंजाब दा जिहड़ा सैक्रेटेरिएट सिविल सैक्रेटेरिएट उस दे विच ते उत्ते एक जिहड़ा डिमांड चार्टर दित्ता गया सीगा चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं नवजोत सिंह सिद्धू अते 4 वर्किंग प्रेजिडेंट्स वल्लों जिस दे विच 5 मेन इशूज सीगे जिन्हां विच एक एम्पलाइज दा भी इशू सीगा ते नवजोत सिंह सिद्धू ते वर्किंग प्रेजिडेंट ने लैटर दे विच कहा सी कि 20 तों ज़्यादा यूनियनस जिहड़ियां ने वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब दे विच ते इन्हां दी गल सुनी जानी चाहिए पंजाब दे फाइनेंशियल नूं ध्यान दे विच रखदे हुए ते इन्हां दीआं जो इशूज ने वो सॉल्व होने चाहिए। लैटर दे विच डिमांड चार्टर दे विच बाकी इशूज भी सीगे जिद्दां बेअदबियां दा मामला है चाहे वह ड्रग्स दा एसटीएफ दी रिपोर्ट दा मामला है चाहे वह खेती कानूनों दा मामला है ये सारिया गल्लां उस दे विच मैंशन सीगियां ते एम्पलाइज दे इशू नूं लैके ते उस मुलाकात ते एक दिन बाद ही आज जो मीटिंग हुई है इत्थे पंजाब भवन दे विच एम्पलाइज यूनियनस दी उस दे विच कैबिनेट मिनिस्टर्स दे अलावा 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स तो अलावा पंजाब दे कांग्रेस दे वर्किंग प्रेजिडेंट कुलजीत नागरा भी मौजूद सीगे जो अपने आप च इक अहम गल है कि पिछले कल लैटर दित्या जांदा है जिस दे विच डिमांड्स 5 जिहड़ियां ओह नवजोत सिंह सिद्धू अते वर्किंग प्रेजिडेंट रखदे ने चीफ मिनिस्टर कोल ते अगले ही दिन जो मीटिंग हुंदी है एम्पलाइज दे नाल उस दे विच कुलजीत नागरा मौजूद सीगे। असीं जदों इस बारे गल कीती ब्रह्म महिंद्रा कैबिनेट मिनिस्टर नाल ते उन्होंने कहा कि क्योंकि बतौर वर्किंग प्रेजिडेंट उन्होंने कुलजीत नागरा होरां नूं इस मीटिंग दे विच बुलाया सी हालांकि नागरा उन्होंने इस ते गल नहीं कीती उन्होंने कहा कि वह गल नहीं कर सकते वह क्यों इस मीटिंग दे विच मौजूद सीगे पर कितने ना कितने ये जरूर एक मैसेज जिहड़ा जा रहा है कि पिछले कल की मीटिंग तो बाद जिहड़ा अज हुण एम्पलाइज दे नाल जो भी गलबात हो रही है उस दे विच वर्किंग प्रेजिडेंट का होना जो है एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि एम्पलाइज के जिहड़े इशूज ने उन्होंने लैके जिहड़ा है कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी जो है वो संजीदा है वो उन्होंने इशूज नो रिजॉल्व करना चाहती है तो फिलहाल ये डेवलपमेंट जो है अपने आप च अहमियत रखती है कि कुलजीत नागरा जो है वो एम्पलाइज के नाल जिहड़ी मीटिंग सीगी उस दे विच मौजूद सीगे जिहड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स ने उन्होंने नाल। पंजाब विधानसभा इलैक्शनस नो 6 महीने तो भी घटदा टाइम रह गया है तो वक्त वक्त एम्पलाइज यूनियन जिहड़ियां ने कोशिश कर रही है अपने अपने इशूज नो रेज करन दियां ते अज मीटिंग जिहड़ी है कुछ एम्पलाइज दी होई है जिहड़ी सब कमेटी है कैबिनेट दे विच उन्हां दे चेयरमैन ब्रह्म महिंद्रा जी साडे नाल ने। सर की जिहड़ा एम्पलाइज दे ग्रजिज सीगे खासकर सिक्स पे कमीशन नो लैके ते की गवर्नमेंट किदां इन्हां नू एड्रेस करन जा रही है हुण? देखो पे कमीशन दी रिपोर्ट आई है पे कमीशन दी रिपोर्ट कई सालां बाद आई है एक मुलाजम नूं इंतजार हुंदी है कि पे कमीशन आऊगा पे कमीशन दी सानू अच्छियां चीज़ां मिलनगियां सो पे कमीशन दी रिपोर्ट नूं असीं स्टडी कर रहे हैं बहुत इन्हां नाल गलबात में कर रहे हैं इन्हां दे इशू समझे और पे कमीशन दे इशू समझे पे कमीशन की देना चाहुंदा है ये की चाहुंदे है साडे फाइनेंस किवें है साडे कोल इन्हां तिन्हां चीज़ां देख के स्टडी करके विल टेक ए डिसीजन बहुत जल्दी क्योंकि एम्पलाइज साढ़े अपने ने साढ़े अपने परिवार ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी महसूस करते हैं कि पंजाब का हर मुलाजम जिहड़ा है पंजाब का हर वसिंदा जिहड़ा है हर सिटीजन जिहड़ा है वह मेरी फैमिली है सो जब चीफ मिनिस्टर साहब की एड्डी बड़ी सोच है वो सोच को लेकर जब असं अपनी फैमिली नाल ही गल कर रहे हैं तो असी बड़े एमिकेबल
एटमोसफेयर दे विच साडी डिस्कशन हुई है, डिबेट हुई है और बड़े अच्छा और बहुत जल्दी सानू लगता है कि इशूज असी नैरो डाउन करके असी बहुत जल्दी सारा काम ठीक कर लेंगे। कल 29 तारीख को सारे पंजाब के मुलाजम समूह छुट्टी लेके पटियाले जा रहे हैं, तुसी अपील कीती और मन्ने ने कुछ भी नहीं जावे? देखो इस मीटिंग से गलत नहीं कि जनरल कोई है, मतलब देखो हर एम्पलाई का हक है, पर मैं अपील उन्होंने करूँगा कि असी साड़ी सब कमेटी जी है कैबिनेट कमेटी वो कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मैं एक अपील करूँगा उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब वालों भी, चीफ मिनिस्टर साहब की अच्छी अपील छपी भी है भी असी इंपलाइज का ख्याल रखना है और मेरा ख्याल ना कर अच्छी गल है, असी पूरा उन्होंने ख्याल रखना है। तो तीन घंटे मीटिंग की बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग की है, लगता कि डेडलॉक जो मंगा बिल्कुल बिल्कुल नेड़े आ रही है, नैरो डाउन हो रहे इशू, नॉट ओनली दैट असी होर इशू भी जनरल जो कोई है उन्होंने वो ग्रीवेंसिस भी सैटल डाउन कर रहे हैं। मेन इशू उन्होंने भी 2011 जो रीडवाइज हुए स्केल वो 2.25 की थान से 2.9 या इस तो बाद दिता जाए? देखो ये सारी चीज़ा डिस्कस हुई ने, मैं ये पहला हाले कुछ नहीं कह सकता, पर असी अपने इंपलाइज न खुश रखना है, असी उन्होंने खुश रखा। कल देखो ये टाइम लाइन नहीं मैं दे सकता कोई, क्योंकि अजे कैबिनेट भी जाना है, सब कमेटी ने द्वारा भी कमेटी ने मीट करना साड़ी ने, उस तो बाद देखते हैं। सर कल नवजोत सिंह सिद्धू चीफ मिनिस्टर नु मिले थे, उस दे विच भी उन्होंने एम्पलाइज का जो इशू से उसको मैनशन किया कि पॉइंट से पांच पॉइंट एम्पलाइज वैसे गल कर रहे थे, मैं तो नागरा साहब न बुला लिया वर्किंग प्रेजिडेंट ने, हाँ जी मैं चाहता सी भी पार्टी का कोई बंदा इतने आए, सो इस करके बैठ के असी सारी गल कर सके। नहीं जी वित्त सैकटरी से हूँ, आफ्टरनून सैशन है एक वित्त मंत्री जी करेंगे, मॉर्निंग सैशन मैं किया। पंजाब के विधानसभा इलेक्शन नो 6 महीने का भी घट का टाइम रह गया है, तो अलग अलग यूनियन एम्पलाइज यूनियन जिहड़ियां ने प्रेशर सरकार ते एग्जर्ट करने की कोशिश कर रही अपनी मंगां नू लैके, अज इत्थे मीटिंग सीगी पंजाब दे मिनिस्ट्रियल सर्विसिज यूनियन ते मंत्री कौन कौन सीगे विच असीं गल करांगे। जी सति श्री अकाल, की नाम तुहाडा ते यूनियन का की नाम है? जी मेरा नाम सुखचैन सिंह खहरा, तो पंजाब यूटी मुलाजम सांझा फ्रंट जिहड़ा हैगा उसका मैं कन्वीनर हाँ, तो पंजाब सिविल सैक्रेटरी की जॉइंट एक्शन कमेटी का मैं जनरल सैक्रेटरी हाँ। अज की मीटिंग हुई, कौन कौन सीगे मीटिंग दे मौजूद? अज दी मीटिंग दे विच जी देखो एक जिहड़ी ऑफिसर कमेटी दे मैंबर सीगे और कैबिनेट मंत्रियों की जो कमेटी बनी उहदे चेयरमैन ब्रह्म महिंद्रा जी, तो मानयोग मंत्री जिहड़े सेहत मंत्री ने सिद्धू साहब, तो कांग्रेस आई दे जिहड़े हैगे ने की सीगे नागरा जी जिहड़े ने कार्यकारी प्रधान वो सीगे, सो एक बहुत सुखावें माहौल दे विच मीटिंग जरूर हुई है। उन्होंने आश्वासन भी दिता कि जो भी मुलाजमान दी मंगा वो जल्दी ही पूरिया कर दित्तिया जाणगियां, पर अजे तक फाइनल कुछ नहीं क्योंकि अंदर जिहड़ी आ मीटिंग हो रही है अफसर कमेटी और कैबिनेट कमेटी की, उस तो बाद वो कहिंदे शाम नूं साडी सीएम दी मीटिंग आ, उस तो बाद असी फाइनल करके तुहानूं दस देवांगे भी की दिता जा रहा। और उन्होंने भी बेनती की कि जो भी संघर्ष चल रहे ने जां हड़तालां चल रही ने उन्होंने बेनती करन लई बंद करन लई बेनती की सी, लेकिन उत्थे असीं उन्होंने स्पष्ट कर दिता कि जिन्नी देर तक कोई पत्र नहीं हुंदा जां साडियां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां उन्नी देर तक ये जिहड़े संघर्ष आ उह चलदे रहणगे। मेन इशूज आपां कहीए जिहड़ी अज दी मीटिंग होई सी उह मुख तौर ते पे कमीशन ते सीगी, जिहड़े बेसिक इशू आ उन्हां दे विच कच्चे मुलाजमान नूं पक्के करना, जिहड़े साढ़े 2004 तो बाद भर्ती मुलाजमान उन्होंने पेंशन पुरानी पेंशन लागू करना, तो कुछ लोग जी 2011 के अनोमलीस रह गई सी अनोमलीस नूं पूरा करन संबंधी जी मैं मुख मंग सी, लेकिन अज जी ज़्यादातर डिस्कस हुई है वह पे कमीशन के उत्ते ही हुई है। तो कल तुहाडी रैली भी है पटियाला दे विच शेड्यूल, तो उस रैली का की हो रहा, तुसीं कर रहे हो उसनों? बिल्कुल जी, कल दी रैली अटाला और रैली दे विच लखां दी तादाद दे विच जिहड़े मुलाजम पहुंचणगे और वह जिहड़ियां सरकार दी चूला हिला देणगे, सो रैली लई असीं लोकां नूं होर भी मोटीवेट कर रहे, चाहे मौसम खराब होवे चाहे बारिश होवे, लेकिन साडे मुलाजम वड्डी गिणती दे विच पटियाले पहुंचणगे तां कि जिहड़ा वा असीं जल्दी तों जल्दी जिहड़ी अपणियां मंगां पूरियां करवा सकीए सरकार कोलों। फिलहाल तुहानूं की लगदा सी जिहड़े कमेटी दे मैंबर्स आए सीगे जिहड़ा मिनिस्टर दी सब कमेटी बणी है, उन्हां दे एटीट्यूड तो की लगता तुहाडियां मंगां नूं लैके? फिलहाल
इस तो यही लगता कि सरकार सहमी हुई है जो एक्शन हो रहा है, खास करके जी कल की रैली है वह सहम पाया जा रहा सरकार दे विच। सो इसलिए वो बेनती कर रहे थे और शायद मीटिंग भी 8:30 बजे रात को जी नियमित हुई है, इसी करके हुई है कि शायद सरकार दे विच डर सी। और यह भी है कि यह मीटिंग जी बारगेनिंग सी कि मुलाजम कितों तक जेडे कि फार्मूला लैणगे और कि मल्टीफिकेशन चाहते हैं उन्होंने भांपना चाहिए, असी भी यह देखना चाहिए भी कि सरकार सानू देना चाहती है। सो एक दूजे की जी देखा गया कि कितने तक यह गल बन सकती है। सो देखते आने वाले समय के होंगे इस मीटिंग दे विच असीं खास गल नोट की है, इत्थे कुलजीत नागरा मौजूद सीगे वर्किंग प्रेजिडेंट जिहड़े कांग्रेस दे लाए ने। पिछले कल एक तुहानूं पता है नवजोत सिंह सिद्धू होर भी मिले सीगे चीफ मिनिस्टर साहब नूं, ते उत्थे भी एक 5 पॉइंट का चार्टर दित्ता सीगा, डिमांड चार्टर उन्होंने, उस दे विच एम्पलॉइज का इशू भी सीगा। की लगता तुहानूं कांग्रेस दे विचली जिहड़ी इंटरनल पोलिटिक्स चली है, खासकर जिदा नागरा साहब अज मौजूद सीगे, की लगता तुहानूं उसका भी एक जिहड़ा है वह असर हो रहा है? देखो जी ये बारे ये पोलिटिकल गल्ला ने, मुलाजमान इस चीज़ ना कोई लेना देना, क्योंकि साडा टारगेट साडिया मंगा ने, उहदे विच जे कोई इंटरनल जे पॉलिटिक्स करके साडा फायदा हुंदा तो सानू उहदे विच किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सो ये है भी ये आपस च की करते की नहीं करते, इस साडे जिहड़े मुलाजम आ एसोसीएशन आ उन्हां नू इहदे नाल कोई लेना देना नहीं। सो चंगी गल है जे उह साडे लई एफर्ट कर रहे ने तां करदे रहिण। सो जी तो एम्पलॉइज़ की मीटिंग जी है जी सब कमेटी है मिनिस्टर्स की, उस दे चेयरमैन सी ब्रह्म महिंद्रा जी तो बलबीर सिंह सिद्धू, उन्होंने नाल खत्म हो गई है। खास गल है मीटिंग दे विच कुलजीत नागरा जिहड़े वर्किंग प्रेजिडेंट कांग्रेस के ने वह भी मौजूद सीगे। दस दिए इसका कंटैक्सट है कि पिछले कल नवजोत सिंह सिद्धू और 4 वर्किंग प्रेजिडेंट्स मिले ने चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, 5 पॉइंट्स का एक डिमांड चार्टर भी दिता गया, जिस दे विच एम्पलॉइज़ की जिहड़ा इशू सीगा वह भी काफ़ी प्रोमिनेंटली मैनशन किया गया सीगा कि 20 दे करीब यूनियनज़ प्रोटेस्ट कर रही ने, तो उस दे विच कहा गया सीगा कि इन्ह की गल जी है वह सुनी जानी चाहिए, इशूज जिहड़े ने रिजोल्व होने चाहिए। तो फिलहाल मीटिंग इन्हों की हुई है, कल नूं पटियाला दे विच रैली रखी गई है, अब देखते हैं कि शाम तक कि इन्हों की मंगा नूं लैके कुछ निकलता है। फिलहाल इन्होंने अश्योर किया गया है इन्होंने इन्हे इशूज़ नूं लैके कल पटियाला दे विच रैली जी है फिलहाल जिहड़ा है एज शेड्यूल जी है वह करन जा रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल दे नाल सचिन कुमार, VP सांझा, चंडीगढ़।